वेलकम स्टूडेंट्स इन एटा कोचिंग क्लासेस। क्या हाल है? ठीक हो? ओके, ये हमारा थर्ड सेशन है इंटीजर का, क्लास 7 मैथ्स इंटीजर का थर्ड सेशन। इससे पहले हमारे जो दो सेशन हुए हैं उसमें एक फर्स्ट जो सेशन था उस फर्स्ट सेशन में मैंने आप सबको थोड़ा सा इंट्रो दिया था, जितने भी उसके अंदर टॉपिक है हमारे इंटीजर के अंदर उसका टॉपिक इंट्रो दिया था। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सेशन था, सेकेंड सेशन में हमें इंटीजर बताया मैंने कि इंटीजर क्या होता है, किस किस नंबर से मिलके एक इंटीजर बना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसका वो है नंबर लाइन। हाँ, तो क्या नंबर लाइन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि लाइन क्या चीज होती है। क्या चीज? लाइन क्या होती है? हमने आज तक सीखा, देखा भी है लोगों, सीखा भी यही है कि इस तरीके से ये फिगर बन गया, ये क्या है? एक लाइन है। यही तो लाइन होती है, यही तो बोलते हैं, लेकिन ये लाइन नहीं है। ये बच्चा कह रहा है कि सर पगला गए हो क्या, ये लाइन नहीं है तो और क्या है? मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा कि ये लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ अलग होती है। लाइन की डेफिनेशन होती है ए ब्रीथ लेंथ स्ट्रेट फिगर। क्या चीज? ए ब्रीथ लेंथ स्ट्रेट फिगर that can extend endless from in both side. A breathless straight figure that can extend till endless in both side is called line, and it has arrow at both ends which can indicate that लाइन कैन बी एक्सटेंड टिल इनफाइनाइट। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने अभी डेफिनेशन इंग्लिश में बताई उसका मतलब ये है कि लाइन एक वो फिगर होता है, वो एक संरचना होती है जिसकी चौड़ाई नहीं होती है। क्या चीज? जिसकी चौड़ाई नहीं होती है लेकिन उसकी क्या होती है? लाइन स्ट्रेट होती है। एक सीधा सा इस प्रकार का फिगर होता है लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं होती है और वो कहीं तक भी उसको ले जाया जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पर इस तरीके से ये बना हुआ है और आप इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यू कैन एक्सटेंड। आप इसको दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? आप फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंड करने के लिए, ये इंडिकेट करने के लिए, ये इनके जो दोनों एंड्स होते हैं उस दोनों एंड्स पर एरो का साइन लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? एरो का साइन। ये एरो का जो साइन होता है, ये वाला, ये जो एरो का साइन होता है, ये एरो का साइन हमको ये बताता है कि ये लाइन है और इसको कहीं तक इनफाइनाइट कितना भी ले जा सकते हैं, चाहे आप दोनों साइड से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक साइड से आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक साइड से आप इसको एक्सटेंड करते हैं, कितना भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो तभी मालूम पड़ेगा जब इसमें क्या होगा? एरो होगा। क्या इसमें एरो है? इसमें एरो नहीं है, इसलिए ये लाइन नहीं है। अगर ये लाइन नहीं है तो क्या है, वो आपको चैप्टर में बताया जाएगा। जब लाइन और एंगल जब हम पढ़ाएंगे आपको, आगे जब चैप्टर आएगा लाइन एंड एंगल, उसमें आपको बताएंगे। क्योंकि यही फिगर नहीं है, इसके अलावा एक और चीज होती है इस प्रकार का। ये लाइन नहीं है, लाइन जैसा है लेकिन लाइन नहीं है। एक और फिगर होता है जिसके ये पॉइंट होते हैं ए पी, क्या होते हैं? इनके एक कांस्टेंट पॉइंट होते हैं। ये लाइन नहीं, ये कुछ और है। तीन चार ये फिगर है, चारों फिगर अलग अलग है। ये लाइन है, ये कुछ और है, ये इससे भी कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। लेकिन इसको हम कब बताएंगे? जब हम लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का जब चैप्टर्स आएंगे इसमें हमारे आगे, उसमें आपको बताएंगे कि ये सारी चीज क्या होती है, जो कि आज तक शायद आपको नहीं बताया होगा। लाइन भी कभी भी किसी ने इस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि मैंने ही बताया है, और भी लोगों ने आपको बताया होगा लेकिन बहुत कम। तो ये क्या चीज होती है? लाइन। अब आता है नंबर लाइन क्या चीज। ये तो लाइन हो गई। जब इस नंबर लाइन पर हम नंबर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं।
इन नंबर्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं उसे नंबर लाइन कहते हैं। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंट तो हमने ये इस तरीके से कर दिया, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ हमने नोट डाउन कर दिया -8, यहाँ कर दिया 7, यहाँ कर दिया 100, यहाँ कर दिया 1000। क्या ये नंबर लाइन है? नहीं, ये नंबर लाइन नहीं है। नंबर लाइन को एक तरीका होता है, क्या होता है? एक तरीका होता है नंबर लाइन का, क्या है नंबर नंबर लाइन की एक डेफिनेशन होती है, ए स्ट्रेट लाइन विद नंबर विच ए स्ट्रेट लाइन विद नंबर नंबर्स प्लेस्ड एट इंटरवल अलोंग विद लेंथ। यानी कि एक नंबर, ये लाइन जो है इसके बीच में जो यूनिट्स होते हैं, क्या होते हैं? यूनिट्स, ये क्या है? नंबर लाइन। इसके बीच के ये जो यूनिट्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? ध्यान दो, इनको बोलते हैं यूनिट्स। ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग, ये यूनिट्स जो बनाए जाते हैं वो नंबर्स के जो डिफरेंस होते हैं उसके अनुसार बनाए जाते हैं। किसके अनुसार? नंबर के जो डिफरेंस होते हैं उसके अनुसार जब बनाए जाते हैं तो इन यूनिट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा युगल होता है। क्या होता है? लाइन है एक स्टेट, उस पर यूनिट्स हैं, यूनिट्स पर नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर होते हैं, जैसे 0, सपोज कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5। ये क्या चीज है? ये हमारे, अब ये नंबर लाइन बन गई। क्या है ये? अब ये प्रॉपर नंबर लाइन है। तो ध्यान रखो, ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है या यहां से लेके यहां का जो भी डिस्टेंस है, पर यूनिट हमारा इसका डिस्टेंस जो है सेम ही रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर ऑन नंबर, सॉरी नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन। दूसरा, ये नंबर लाइन आपका क्लियर हो गया। तीसरा हमारा टॉपिक है इंटीजर ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर इंटीजर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आपको बताएंगे कि इंटीजर किस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारा ये है 0, 3, 4, 5, -2, -3, -2, -3, -5। ये क्या है? हमारे इंटीजर। अब इन इंटीजर्स को अगर हमें इसको पुट करना है, ऐसे ये सवाल आएंगे आपके क्वेश्चंस में, कुछ नंबर दे रखे होंगे कहीं का, कुछ टेम्परेचर दे रखा होगा या कोई भी डिस्टेंस किसी दो या तीन प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कहीं आपको दे रखा होगा। आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें नंबर आए, वो उसको मैं आपको बताया कि इस, ये जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, क्या है ये? इंटीजर हैं। इस इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, ध्यान दो, क्या चीज? इसको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि ये जो इंटीजर्स हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है। क्या चीज? ये जो इंटीजर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो सबसे पहले क्या है? 0। 0 से और 3 का डिफरेंस कितना है? 3 है। 3 से और 4 का डिफरेंस कितना है? 1। 4 से 5 का डिफरेंस कितना है? 5। -2 है डिफरेंस कितना है? 1। -3 है, 2 और -3, -2 और -3 में डिफरेंस कितने का है? -1 का। और -5 है तो इसका डिफरेंस कितना है? माइनस, इसका भी -1 है। तो ये इसमें सब कितना है? डिफरेंस सारे में 1 ही 1 है।
माइनस वन नहीं, सॉरी मैंने अभी एक दो बार बोला है कि इसके बीच का माइनस वन है, माइनस वन है, माइनस वन नहीं। डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, उस डिफरेंस को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। सपोज कीजिए ये हमने आपको इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अभी, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू इसी के साथ में बताऊंगा कि जीरो है, सबसे पहले हमने जीरो को रिप्रेजेंट किया। जीरो को हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए जीरो को क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर में, बीच में रखते हैं। लेकिन पॉजिटिव्स जितने नंबर होते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव्स नंबर सारे जीरो से राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। कहां पर? जीरो से राइट साइड, राइट साइड में जीरो से क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किधर आएंगे सारे? आपके राइट साइड में। और नेगेटिव इंटीजर किधर जाते हैं? जीरो से लेफ्ट साइड, जीरो से लेफ्ट साइड में आएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये किधर आएंगे? ये विशेष करके ध्यान दो, आगे चल के जब एक्सरसाइज में इस प्रकार के मिक्सचर मिलेगा, इंटीजर्स मिलेंगे, वहां प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे, जीरो भी होगा, तो आप किधर माइनस को रखें, किधर प्लस वाले पॉजिटिव वाले जो नंबर होते हैं उसको रखेंगे, कहाँ जीरो को हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर, तो उसके लिए ये ध्यान रखो सेंटर में क्या होगा, जीरो होगा। जीरो से राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो रखे जाएंगे, जीरो से लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो रखे जाते हैं। अब इनको जो यूनिट बनाते हैं, यूनिट बनाने के लिए जो नंबर होते हैं उनका डिफरेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जो भी इंटीजर्स देखे हैं, ये नंबर्स दिए हैं, इंटीजर्स दिए हैं, इनमें डिफरेंस, तो मैंने कहा क्या, इसमें मोस्टली कितने का है, वन का डिफरेंस है। तो ये हमने सपोज कीजिए हमने ये मीटर्स में ले लिया, कोई भी है, कोई भी डिस्टेंस है वो काय में है, मीटर्स में, ये सारे मीटर्स में, ये मान लीजिए काय में, मीटर्स में। अब जीरो से थ्री, यानी कि ये यूनिट अब हमको कितने एक में बनाना है, तो जीरो से वन टू और थ्री, ये हो गया क्या चीज, थ्री, फोर, फाइव, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वन, वन से यहां तक का कितना है, नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वन टू थ्री, इनके ये जो यूनिट है इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ जीरो से यहां तक वन मीटर, वन से टू तक टू मीटर, टू से थ्री तक थ्री, से इसके बीच के भी डिफरेंस कितना है, वन ही मीटर है। इसी प्रकार से जस्ट लाइक सेम माइनस, माइनस टू दे रखा है तो यहां लेंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है, इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। जो दो यूनिट्स होती हैं इंटीजर की, जो दो यूनिट्स होती हैं उन दो यूनिट्स के, खास करके जीरो से चलता है कि जीरो से वन इसका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू वन है। जीरो से आप आए यहां पर कहां, माइनस टू पर, ये माइनस टू है तो इसकी एब्सोल्यूट, आप इसे माइनस टू नहीं कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या कहेंगे, ये इसकी दूरी कितनी है, टू, माइनस टू नहीं, टू है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। ध्यान रखो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव में ही रखा जाए। अब कैसे होती है, मैं थोड़ा सा वो भी समझाना आपको चाहूंगा किस प्रकार से होती है। जैसे सपोज कीजिए ये माइनस टू है, आपसे ये पूछा जाए कि जीरो से और माइनस टू के बीच का डिस्टेंस कितना, क्या चीज, जीरो से और माइनस टू के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करेंगे, जीरो, जीरो से ही तो पूछ रहा है, आप कहां पर खड़े हैं, जीरो पर, आपको जाना कहां है, माइनस टू के लिए,
तो डिस्टेंस जब भी वर्ड आए, ध्यान दें बच्चे, जब भी एक्सरसाइज में डिस्टेंस वर्ड आएगा, डिस्टेंस का मतलब होता है तो जो आपकी प्री पोजीशन है उससे जो नेक्स्ट पोजीशन पर आप पहुंचे हैं उनको क्या करना है, आपको प्री पोजीशन से जो हाई लेवल होगा वो होगा उससे आपको इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे जीरो से आप यहाँ पर पोजीशन पर खड़े थे, यहाँ आप पहुंचे हैं, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे, माइनस को माइनस टू से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, जब माइनस से माइनस को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू आ गया पॉजिटिव। यही क्या होती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी जीरो में नहीं होती। तो इंटीजर ऑन नंबर लाइन, तो ये आपको एक तरीका बता दिया। दूसरा, ये तो मैंने एक छोटी सी यूनिट में आपको बताया है कि 1, 2, 3, 4, 5 इसको किस प्रकार से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए इसके अलावा कोई और हमारे पास नंबर होते हैं, कुछ बिगर नंबर होते हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास इंटीजर दे रखा है 10, 20, 30, -20, -20, -30 and 0 आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, दोनों चीज आएंगी, क्या है कि इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कीजिए और 20 को प्लॉट कीजिए, क्या कीजिए, आगे जो एक्सरसाइज में आएंगे वो क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे कि क्या आएगा क्वेश्चन, गिवन रिप्रेजेंट द गिवन नंबर ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द गिवन नॉट नंबर इंटीजर, रिप्रेजेंट गिवन इंटीजर ऑन नंबर लाइन एंड प्लॉट 20, क्या चीज, एंड प्लॉट 20। तो अब इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंस देखेंगे, इनमें कितने का डिफरेंस, 10 से जो सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, सपोज कीजिए ये हमने क्या बताया था, सबसे पहले सेंटर में क्या लेंगे, जीरो, क्या लेंगे, जीरो, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो कहाँ जाएंगे, राइट साइड पर। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं इसमें, पॉजिटिव इंटीजर 10 हमारा पॉजिटिव है, 20 पॉजिटिव है, 30 पॉजिटिव है, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सेम है ना, 10-10 का सेम है ना, तो इनके यूनिट जो ये यूनिट हैं वो उसी के 10 के ही डिफरेंस से बनाई है। जैसे सब अच्छा, चलिए एक और चीज में करता हूं, इसमें 20 को नहीं रिप्रेजेंट करते, प्लॉट करते, हम इसमें प्लॉट करवा देते हैं 15 को, एक और है क्या, 15 को रिप्रेजेंट कीजिए तो ज्यादा अच्छा समझेंगे, इसमें एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा, क्या है, 15 को रिप्रेजेंट कीजिए आप, तो इसमें हमारे कौन से नंबर हैं, 10, 20, 30 और 15, ये हमारे क्या है, मोस्टली डिफरेंस कितना आ रहा है, 10-10 का। तो वही चीज हम रखेंगे, सेंटर में 0, उसके बाद सबसे छोटा स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें हमारा पॉजिटिव, 10, सबसे पहले 10 लिया, उससे बिगर कौन सा है, 20 ले लिया, उससे बिगर कौन सा है, 30, ये 30। अच्छा थोड़ा सा लाइन को हम बड़ा बनाते हैं, दूसरी लाइन बनाते हैं, इसे ये क्लियर आपको दिखाई दे, ये हमने 1, 2, 3 इक्वल डिस्टेंस पर ये यूनिट्स हमने 3 बना दिया, ये हमारा कौन कितना है, 10, कौन सा इंटीजर, 10 इंटीजर आया, ये 20 आया, ये 30 आया, यही तो दे रखा है ना, पहले ये रखते हैं 15 को बाद में। दूसरा माइनस माइनस को ले लेते हैं, माइनस माइनस में भी हम इसी प्रकार से रखते हैं कि इनके बीच की यूनिट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखो। वन टू एंड थ्री, यहां कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस 10,
माइनस टेन, उससे नेक्स्ट 20, कितना माइनस का 20 एंड माइनस का 30। ये हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट। अभी हमारा रह गया क्या 15। मैं अगर 20 को 30 को आपको रिप्रेजेंट करना, वो ये बताता कि इसको प्लॉट कर दो, सपोज कीजिए जैसे मैंने पहले बताया कि 20 को प्लॉट कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर लाइन पे आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सेम यूनिट के डिफरेंस से। ये आपका 20 को अगर कोई प्लॉट करने के लिए बताता है तो ये आपने 20 को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के लिए इस 20 को इस प्रकार से एक सर्कल में क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, सर्कल में इसे क्लोज करते हैं, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मैं यहाँ चाह रहा हूं कि 15 को प्लॉट किया जाए, क्या किया जाए, 15 को प्लॉट किया जाए। तो 15 को कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के, जो कि शायद जो एक्सरसाइज जो अपना जनरल थ्योरी बताते हैं उसमें शायद वो नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये 15 क्या है, जीरो से और यहां तक की दूरी कितनी है 10, यानी कि ये जो 10 ये इससे इसकी बराबर यूनिट है, इससे इसकी बराबर यूनिट है, लेकिन यहां से और यहां तक भी 10 इक्वल यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कोई बात नहीं। तो वो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अंतर आ रहा है, दूरी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, इसके अंदर यहां से लेके यहां तक इसके अंदर भी क्या है, ये 10 यूनिट्स है। इसी प्रकार से जब 15 है तो यहां पर भी यूनिट है, ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 और 10 20 हो गया। अब हमें क्या करना है 15, तो 10 में जब एक यूनिट और चलेंगे तो क्या आएगा, 10 है ये, 10 से अगर एक यूनिट और मूव करेंगे राइट को तो कितना आएगा 11, उससे एक यूनिट और मूव करेंगे तो 12, उससे एक यूनिट और मूव करेंगे तो 13, उससे एक और यूनिट मूव करेंगे तो 14, उससे एक और यूनिट मूव करेंगे तो 15। ये हमारा क्या हो गया 15। इसको इस प्रकार से क्या कर देंगे 15, और अगर वो 15 को प्लॉट करना कह रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसे प्लॉट कर देंगे, क्या कर देंगे, आप इस प्रकार से इसको प्लॉट कर देंगे। ये होता है नंबर लाइन हो गई, लाइन हो गई, नंबर लाइन हो गई, और किस प्रकार से आप हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन नंबर लाइन। आई एक्सप्लेन इट हाउ डज यू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन नंबर लाइन, ओके। तो ये हो गया आपका, थैंक यू।